आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी तथा बीए सेकेंड सेमेस्टर मैथ जो आपका पेपर मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कोड MAT 104 है उसके आंसर की को देखेंगे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज 20 जून को कंडक्ट हुआ है। ओके, आप अपना पेपर निकाल लीजिए और मिलाते जाइए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कमेंट करके उसको बताइएगा। तथा साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत उनके पास पहुँच जाए। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, अब पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो देखिए y प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का पावर 1/4 है और डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब करा। तो देखिए आप जानते हैं डिग्री कौन डिसाइड करेगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है जो उसका पावर होता है वही डिग्री डिसाइड करता है। तो अगर दोनों तरफ 4/4 से या इस तरफ कहिए इस 1/4 को क्या किया जाए, दोनों तरफ पावर क्या ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/4 से 4 कट जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है 4 है, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ पी डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट देन पी कैन बी, देखिए इसके ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, गलती क्या है मैं बता रहा हूँ, या तो यहाँ कास एक्स होना चाहिए था या तो यहाँ माइनस कास वाई होना चाहिए था, ठीक, ये थोड़ा सा इसमें गलती है, कैसे ये होना चाहिए। देखिए आप जानते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो देखिए एम का वैल्यू क्या है, पी के बराबर है, एम क्या है पी है और एन क्या है आपका एक्स साइन वाई है। तो कह रहा है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो आप जानते हैं फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एन एग्जैक्ट कंडीशन क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है। तो अब देखिए एन का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या निकल के आएगा, साइन वाई निकल के आएगा और डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन वाई हो गया। फिर जब आप डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एम इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, माइनस कास वाई आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, प्लस कास वाई दिया, ठीक। तो माइनस का मिसप्रिंट है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा लेकिन माइनस का मिसप्रिंट है। ओके, दूसरा चीज एक ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता था अगर एक्स स्क्वायर माइनस कास एक्स दिया रहता, ठीक, कैसे करेक्ट हो सकता था, देखिए चूंकि ऑप्शन गलत है इस वजह से मैं दोनों ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए कैसे सी करेक्ट हो सकता था अगर कास एक्स दिया रहता यहां पे, ठीक, तो क्या होता, आप इसको लिखते हैं एम का वैल्यू क्या था, पी था और एन का वैल्यू क्या था, एक्स साइन वाई था, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या होता, आप एक तरीका और अपना सकते थे, पी वाई एक्स कर देते तो एम का वैल्यू क्या हो जाता, पी वाई एक्स हो जाता और एन का वैल्यू क्या होता, साइन वाई हो जाता, ठीक। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो वाई का फंक्शन है और कर किसके रहे हैं, एक्स के डिफ्रेंशिएट में कर रहे हैं, तो डेल एम बाई डेल वाई भी आपका 0 होना चाहिए था और ये तभी पॉसिबल है जब एम केवल फंक्शन हो एक्स का, मतलब तब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होता। ओके, बट मैं डी ही करेक्ट मान के चल रहा हूं क्योंकि माइनस का इसमें क्या है, छूट गया है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा, ठीक। मैं बस आंसर बताते हुए चल रहा हूं, आपको अगर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप उसका सोल्यूशन ले लीजिएगा। ओके, फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। देखिए ये सब तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है
द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यूब प्लस पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 4x³ + 27y² = क्या होता है? जीरो होगा। ओके, सिक्स नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, कर रहा है इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर है। तो आप इसका फॉर्म पढ़े हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, जहाँ पे पी क्यू क्या आया तो कांस्टेंट हो या तो एक्स का फंक्शन हो। ठीक, दूसरा चीज, दूसरा फॉर्म क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? या तो वाई का फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर इस रूल को आप लगाएंगे, देखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिक्स का ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या आप कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन में क्या है, पावर क्या किया? डबल किया हुआ है। ठीक, बाकी और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले। बी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर कर दिया है, इसका मतलब b नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। c नंबर ऑप्शन देखिए, डी एक्स वाई डी वाई प्लस वाई, ये फिर यहाँ पे अगर c नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये ठीक है, फिर क्या x के अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका e के पावर x, ये भी उस फॉर्म में नहीं है। d नंबर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो d नंबर ऑप्शन देखिए सेम इस फॉर्म में है जो मैं अभी बताया हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो वाई का फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, अब कर रहा है सेवन नंबर क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई इज, कह रहा है इसका सलूशन क्या होगा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आएगा। ओके, यर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इच, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा आपका? करेक्ट आएगा। ओके, यर्थ नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए यर्थ नंबर क्वेश्चन का एक मिनट में दूसरा ऑप्शन बता दिया हूं, क्या होना चाहिए? थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर देखिए एक मिनट, इसका जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गलती से मैंने बी बता दिया। क्या होगा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आया होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ करके आया होगा। ठीक, तो जो आप कॉमन लेंगे एक्स को क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आ जाएगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान दीजिए गलती से मैंने बी बोल दिया। ओके, देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? तो नाइन नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन सॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस टू द सब्स्टिट्यूशन आर, कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे? तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन सॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इज, इसको सॉल्व करने में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है? तो 11th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका?
जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पे डी वाई लिखा है, ठीक क्या होना चाहिए सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लिखा है, ठीक इस पी को क्या करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ओके 12 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए सॉरी 11 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट कब होगा जब क्या होता है अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सेकेंड में ये चीज़ देखे हैं क्या होगा डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, ठीक तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ओके 39 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ऊपर बताया तरीका पहचाने का तो देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ये क्या होगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके 40 क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये लिखा हुआ है आप स्क्रीन को देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर एन इज कॉल। तो 14 का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बर्नौलीज इक्वेशन। ओके ये पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप जाके देखिएगा हम पिछले साल का पेपर भी मैं डाला हूँ वहाँ जाके आप देख सकते हैं। 59 क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 15 का क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आर गिवेन बाई। तो इसका क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ वी एच। तो 17 का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके 89 क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन 18 का भी क्या होगा करेक्ट होगा। ओके 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ओके फैमिली ऑफ सर्किल्स। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फैमिली ऑफ कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है क्या रिप्रेजेंट करेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका 21 का जो होगा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आएगा। ओके हाइपरबोला होता तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया देन पूछ रहा है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक तो 23 का क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा है और कह रहा है कि इसका रैंक क्या होगा तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 25 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ठीक तो पूछ रहा है कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए इज 4 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ठीक तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिखा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब पूछ रहा है क्या है ये, ठीक तो 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ओके 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन लिखा हुआ है पूछ रहा है कि हैव नो सोल्यूशन इफ, कह रहा कि सोल्यूशन नहीं होगा अगर लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट होगा। ओके 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा तो बी नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा।
ओके 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिक सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी इज, तो क्या होगा 30 का जो होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया और पूछ रहा देन, तो 31 का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ओके 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मैट्रिक्स ए दिया गया और पूछ रहा है, तो 31 का क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइदर हर्मिशियन नॉट स्क्यू हर्मिशियन। ओके 34 का रहा एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी, तो 34 का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 का रहा कि द करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दिया गया है मैट्रिक्स और पूछ रहा है करेक्टरिस्टिक वैल्यूज का क्या होगा, ठीक तो 35 का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन रैंक पूछ रहा है मैट्रिक्स का, तो 37 का क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ, तो 38 का क्या होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, तो 39 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। अगर आपको कहीं लगता है किसी क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, हो सकता है मैंने बोलने में गलती कर दिया हो, तो आप उसको कमेंट में अगर सजेस्ट करेगा उसको रीचेक करके करेक्शन करके कमेंट में मैं डाल दूंगा। ओके थैंक यू।